नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में लंबे समय से स्थायी विधानसभा अध्यक्ष का जो इंतजार हो रहा था वो अब खत्म होने जा रहा है। जी हां, रविवार को अचानक सुबह सुबह मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए गिरीश गौतम पहुंच गए। गिरीश गौतम बिंद से आते हैं और देवतालाब विधानसभा जो लगती है रीवा जिले में, वहां से चार बार के विधायक हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये उसी समय की हैं जब गिरीश गौतम विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं उनके कक्ष में पहुंचे, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। गिरीश गौतम अकेले नहीं थे, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं और इसके अलावा जो सहकारिता मंत्री है अरविंद भदौरिया वो भी वहां मौजूद थे। अचानक से ये कार्यक्रम बना, कल शाम तक ऐसी कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई थी, लेकिन देर रात एक खबर जरूर चली कि बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बकायदा बात की है दिल्ली में आलाकमान से और उसके बाद तय हुआ है कि गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया जाएगा। दरअसल लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि विधानसभा में स्थायी विधानसभा अध्यक्ष क्यों नहीं है, रोटेम स्पीकर के जरिए विधानसभा की तमाम कार्रवाई चल रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ दें तो विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि भाजपा ने स्पष्ट कह दिया है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद वो कांग्रेस को नहीं देंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके लिए बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। क्यों भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल कांग्रेस को उपाध्यक्ष का पद नहीं देना चाहती, पहले गृहमंत्री का वो बयान सुनिए। उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिए जाने की परंपरा पुरानी थी, पिछले सत्र में उन्होंने परंपरा तोड़ी। मुझे नहीं लगता कि अब उस परंपरा जब उन्होंने ही तोड़ी है तो उनको देना चाहिए, मैं तो ऐसा नहीं मानता। तो सुना आपने, ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस को उसकी करनी का फल मिलेगा और इसीलिए उपाध्यक्ष का पद भी कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में आखिरकार ये विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के इतनी बात हो क्यों रही है, अब हम आपको उसकी जानकारी देते हैं। मार्च 2020 में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर जाती है और 20 मार्च के करीब कमलनाथ इस्तीफा दे देते हैं अपनी कुर्सी से, मुख्यमंत्री पद से वो हटते हैं और उसके बाद मार्च में ही एनपी प्रजापति जो कमलनाथ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे और वरिष्ठ विधायक भी हैं वो इस्तीफा दे देते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पद से। इसके बाद राज्यपाल बाकायदा प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जगदीश देवड़ा को चुन लेते हैं, लेकिन बाद में जगदीश देवड़ा को कैबिनेट में जगह मिल जाती है, शिवराज सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर पद से वो इस्तीफा देते हैं। फिर जुलाई 2020 में रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तब से माना यह जा रहा था कि जब भी विधानसभा का सत्र लगेगा पूर्णकालिक, तब कभी ना कभी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कोरोना के चलते सत्र बार बार स्थगित होता गया। अब जब कोरोना के मामले कुछ कम हुए हैं, नीचे आए हैं, तो करीब एक महीने लंबा विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहले ही दिन विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और ऐसे में करीब 11 महीने बाद मध्य प्रदेश विधानसभा को उसका स्थायी विधानसभा अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जब यहां से हटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या सोच रखा है, क्या उन्हें शिवराज कैबिनेट में जगह मिलती है या फिर वो विधायक रहकर ही भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहेंगे।